जय हिंद डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास फाइव मैथ्स एक्सप्रेस एक्सरसाइज 5.6। वन नंबर क्वेश्चन देखिए, डिवाइड द फॉलोइंग, यहाँ डिवाइड देना। तो पहले मैं ए एफ और जी नंबर प्रैक्टिकली देता हूँ, बाकी सब की सॉल्यूशन यहाँ मैं डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, ए नंबर में देखिए 469.2 डिवाइडेड बाई 6, इसको 6 से डिवाइड देना। ये डेसिमल में है, ये डेसिमल नहीं है, तो सिस्टमेटिकली हम डिवाइड देंगे। 6 से डिवाइड देना ना, यानी कि डिविजन 6 से 469.2 है। अब देखिए 4 6 से छुटा है, होगी नहीं, 46 दूर दिस लेना, 46 होगा। 46 में 6 कितने बार है, 7 टाइम्स है, 6 7 42। अब देखिए 6 माइनस 2 4 है, इस 9 को नीचे ले आना, 49। अब देखिए 6 8 48, रिमाइंडर क्या है, 1 है। अब देखिए ये जो 2 है इसको नीचे ले आना, लेकिन ये 2 डेसिमल पॉइंट के बाद है ना, तो डेसिमल पॉइंट की राइट साइड की डिजिट हम यहाँ नीचे ला रही है, तो यहाँ डेसिमल पॉइंट पुट होगा। आप 2 को लाइए, अरे 6 2 12 है, 12 माइनस 12 0 है, रिमाइंडर 0 है। तो 469.2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू क्या रेड इक्वेशन, 78.2 ये है सोल्यूशन। अच्छा, इसको भी सोल्यूशन के मेन पार्ट के तौर पर रख देना, ठीक है। अब नेक्स्ट एफ नंबर देखिए 394.08 डिवाइडेड बाई 16। अब दो डिजिट नंबर से इसको डिवाइड देना, और ये जो नंबर है ये दो डेसिमल्स है, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद दो डिजिट्स है, तो सिस्टमेटिकली हम डिवाइड देंगे ना, 16 से 16 डिविजर है 39.408। तो जैसे हम डिवाइड देते हैं नॉर्मली हम डिवाइड देंगे। अच्छा, 39 में 16 कितने बार है, 2 टाइम्स है, 2 6 32 है, 9 माइनस 2 क्या है, 7 है। अब इस 4 को ले आना नीचे, 74 में 16 कितने बार है, 4 टाइम्स है, 4 16 64, 74 माइनस 64 10 है। अब देखिए, अब अगर यहाँ नीचे किसी डिजिट लाना था तो इस 0 को ले आना चाहिए, और ये जो 0 है ये डेसिमल पॉइंट के बाद है ना, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट पुट होगी। अच्छा, जब तक हम डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट की डिजिट यहाँ नीचे लाएंगे तब तक डेसिमल पॉइंट पुट नहीं होगी, और जब तक डेसिमल पॉइंट की बाद की किसी डिजिट यहाँ नीचे लाना पड़ेगा डिवाइड देने के लिए, तब तो जाके यहाँ डेसिमल पॉइंट पुट होगी। ठीक है, अब इस 0 को ले आना, तो अब 100 हो, 100 में कितने टाइम्स हैं, 6 टाइम्स हैं, 6 16 96 है। अब देखिए 100 माइनस 96 4 है। अब इस 8 को नीचे ले आना। अच्छा, तो 48 में 16 3 टाइम्स हैं, 3 16 48 है, 48 माइनस 48 0, रिमाइंडर 0 है। तो देयर फोर 394.08 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू क्वेश्चन क्या है, 24.63। ऐसे ही डिवाइड करना, ठीक है। बाय अब नेक्स्ट ये नंबर देखिए 490.32 डिवाइडेड बाई 32। अब देखिए दोनों डिविडेंड और डिविजर दोनों ही डेसिमल पॉइंट वाला है, तो आप करना क्या, तो इसको इससे डिवाइड करना, तो थोड़ा सा कन्वर्ट करिए ऐसे 490.32 डिवाइडेड बाई ये डिवाइड लाइन है 3.2। अब देखिए ये और ये दोनों ही डेसिमल में है। अच्छा, जिससे हम डिवाइड दे रहे हैं ना, इसमें डेसिमल पॉइंट ना रहे, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए सोचिए, तो करना क्या पड़ेगा, अगर दोनों नंबर्स को हम 10 से इंटू करें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो बिल्कुल तो कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा देखिए, इसको 10 से मल्टीप्लाई करने से डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगी, मतलब डेसिमल पॉइंट हट जाएगी, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करने से डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगी, एक डिजिट राइट में आएगी। अच्छा, तो ऐसे ही करना, तो इज इक्वल टू, अच्छा आप शॉर्टकट थोड़ा सा ऐसे ही सोचिए, डेसिमल पॉइंट दोनों में है तो दोनों में राइट साइड में एक एक डिजिट शिफ्ट कर देना डेसिमल पॉइंट,
तो इसको अगर यहाँ लाया जाए तो 49.02.2 होगा। इसकी एक डिजिट राइट साइड में मूव करे ना, तो इसको भी इसकी भी एक डिजिट राइट में मूव करना तो 32.0 होगा। अच्छा, इसके बाद और तो डिजिट नहीं तो सिर्फ 32 होने से हो जाएगा। अब 32 से इसको डिवाइड देना नॉर्मली। देखिए 32 किसको डिवाइड देना, 49.02.2। अब देखिए 49 में 32 एक बार है, 1 to 32 32, 9 minus 2 7 है, 4 minus 2 1। अब इस जीरो को नीचे ले आना, ये जो जीरो है इसको। अब 170 में 32 कितने बार है, 5 times है, 5 32 are 160। तो 170 माइनस 160 10 है। अब इस 2 को नीचे लेना ले आना, 102 है। अब देखिए 32 3 times है, 32 are 96 है। अच्छा 12 माइनस 6 6 है, या 9 माइनस 9 0 है। अब देखिए इस 2 को नीचे ले आना, लेकिन ये 2 तो डेसिमल पॉइंट के बाद के डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट पुट होगा। अब देखिए यह थोड़ा सा एक गलती हुआ, 4903 ये 3 है, यहाँ 3 है ठीक है, तो यहाँ भी 3 है, तो यहाँ डिजिट जो आएगा वो 3 आएगा। तो 13 माइनस 6 7 है। अच्छा यहाँ 9 माइनस 9 0 है। अब देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद की डिजिट हम ला रही है 72, तो यहाँ पॉइंट आएगा। अब देखिए 32 72 में 2 times है, 2 32 64 है। अच्छा आप देखिए यार थोड़ा सा छोटा करके लिखनी पड़ रही है, 12 माइनस 4 8 है, सिर्फ 8। आप एक जीरो लाइए तो 32 फिर से देखिए 2 times है, 2 32 64, तो 18 माइनस 64 16 है। आप और एक जीरो ला सकते हैं, 160। अब देखिए 160 में 32 5 times है, 5 into 32 वही 160 है, तो रिमाइंडर जीरो है। आप ये रिमाइंडर जीरो ना, तो प्रोसेस समाप्त है। तो यहाँ क्या मिले, 4903.2 डिवाइड बाई 32 इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है, 153.225। अब बाकी सबके सोल्यूशन यहाँ देखिए। अब नेक्स्ट देखिए एम नंबर, एम एन ओ, ये तीनों बहुत इजी है। तो इज इक्वल टू देखिए इसको अगर आप चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, और अगर चाहें तो 82.9/10 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू देखिए 10 में एक जीरो है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में मूव होते हैं। आप डिवाइड देंगे तो डेसिमल पॉइंट राइट लेफ्ट साइड में मूव होगी, जिस पोजिशन पर आप है इसकी लेफ्ट साइड में मूव होगी। लेकिन कितने डिजिट, तो देखिए यहाँ 1 के बाद कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक डिजिट मूव होगा, तो यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, तो 8.29 है। इसको डायरेक्ट इसको ना लिख के डायरेक्ट कर सकते, यहाँ 1 के बाद 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट लेफ्ट में मूव होगी, यहाँ से यहाँ आए तो 1.217 हो जाएगी। इज इक्वल टू इसको देखिए यहाँ पे 2 डिजिट ना, तो 1 2 3.2871 होगा, 3.2871
2871, इजी है भाई, बहुत इजी भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ मैं बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखा। इफ 110.25 केजी ऑफ राइस इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग 100 चिल्ड्रेन, देन हाउ मच वुड ईच चाइल्ड गेट। तो अगर 110.25 किलोग्राम चावल 100 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की जाए, बांट दी जाए, तो हर एक बच्चा कितनी क्वांटिटी की चावल पाएगा, और एक को कितनी करके मिलेगी। अच्छा तो देखिए, क्वांटिटी ऑफ राइस इक्वल टू 110.25 के जी, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 100, तो जितने क्वांटिटी है नंबर ऑफ उतनी तो जितने क्वांटिटी है ना, इसको नंबर ऑफ चिल्ड्रेन से डिवाइड कर देना। तो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ राइस गॉट बाय ईच चाइल्ड इज 110.25 बाई 100। 100 है, मैं 100 में 2 0 है, तो डिवाइड हो रही है तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट मूव हो गए, तो कितने डिजिट, 2 डिजिट, क्योंकि 2 0 है, तो 1 2 यहाँ पे 1.1025 होगा, 1.102 हो, यहाँ यूनिट किलोग्राम में है ना, तो किलोग्राम है, तो हर एक बच्चा 1.1025 किलोग्राम करके पाएगा। बाय नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखें, इफ 112 लीटर्स ऑफ ऑयल इज टू बी फिल्ड इक्वली इन बोतल्स हुज कैपेसिटी इज 3.5 लीटर्स, देन फाइंड हाउ मेनी सच बोतल्स विल बी नीडेड। टोटल ऑयल है, तेल है 112 लीटर। अच्छा, ये सारे तेल को 3.5 लीटर की बोतल्स में भरना, यानी कि हर एक बोतल की कैपेसिटी 3.5 लीटर, ठीक है, तो ऐसे ही कितनी बोतल्स चाहिए, तो इसको यहाँ नंबर बोतल की कैपेसिटी से डिवाइड देना। अच्छा, टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल ये, अच्छा और ये बोतल की कैपेसिटी, मतलब और ये बोतल में जो तेल समा हो सकती है वो 3.5 लीटर करके, तो इसी 3.5 से 112 को डिवाइड करने से टोटल नंबर ऑफ बोतल्स हमें मिलेगी। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड बोतल्स इज 112 बाई 3.5। अच्छा, 3.5 इससे डिवाइड देना थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक काम करना, डेसिमल पॉइंट रिमूव करना, तो कैसे करना, दोनों नंबर्स को 10 से इंटू करना, तो इसको 10 से इंटू की जाए तो एक जीरो तो लास्ट में आ जाएगी, और इसको 10 से इंटू करने से डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाएगा, तो 1120/3, 35। तो अब 35 से इसको डिवाइड दी जाए ना, तो 32 मिलेगी, यानी कि टोटल बोतल्स कितनी चाहिए, 32 बोतल्स चाहिए। मैं अब नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, आकाश बॉट 64.75 लीटर ऑफ मिल्क एंड मेड 18.5 किलो केजी ऑफ डेजर्ट विद इट, एंड हाउ मच मिल्क इज नीडेड टू मेक 1 केजी ऑफ डेजर्ट। तो आकाश 64.75 लीटर्स 64.75 लीटर दूध खरीद करता है, अच्छा, और इससे ये डेजर्ट एक लस्सी टाइप की चीज़ बनाता है, ठीक है, तो इतनी दूध से 18.5 किलोग्राम बनती है, डेजर्ट बनती है, ठीक है। अच्छा, तो 1 किलोग्राम डेजर्ट के लिए कितनी लीटर्स दूध चाहिए, तो भाई सीधे सीधे मतलब इसको इससे डिवाइड देना, टोटल इतनी अमाउंट से इतनी किलोग्राम क्या बनी, डेजर्ट बनी। तो अब 1 किलोग्राम डेजर्ट के लिए कितनी अमाउंट मिल्क चाहिए, दूध चाहिए, तो टोटल दूध की जो है क्वांटिटी है इसको डिवाइड देना, टोटल जो डेजर्ट की क्वांटिटी है इससे, क्योंकि इन सब दूध से तो इतनी डेजर्ट बनी। तो देखिए क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी है, और यहाँ देखिए क्वांटिटी ऑफ डेजर्ट इज इक्वल टू कितनी, तो देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ मिल्क नीडेड टू मेक 1 केजी ऑफ डेजर्ट इज, अच्छा डेसिमल पॉइंट इससे रिमूव करना, तो दोनों से डेसिमल पॉइंट एक एक डिजिट ऐसे रिमूव करना, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट इसकी आएगी, इसकी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब रिमूव हो जाएगी, तो इसको 185 से डिवाइड करने से 3.5 आएगी, यानी कि 1 किलोग्राम डेजर्ट बनाने के लिए 3.5 3.5 लीटर दूध की ज़रूरत है। बाय नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए ट्रेन कवर्स 220.55 किलोमीटर इन 5.5 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। यह एक हिंट दी गई है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो भाई एक ट्रेन जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है 220.55 किलोमीटर, और इतने डिस्टेंस के लिए टाइम लगता है 5.5 आवर्स, यानी कि 5.5 घंटे, तो आप उस ट्रेन की स्पीड क्या है, तो यहाँ तो एक फार्मूला है, इस फार्मूला से हम स्पीड निकल सकते हैं।
अच्छा, दूसरा अगर हम फॉर्मूला यूज़ ना करें तो भी हम निकाल सकते हैं यूनिटरी मेथड की कॉन्सेप्ट यूज़ करके। तो यूनिटरी मेथड की कॉन्सेप्ट आपको नेक्स्ट क्लासेस में जाके मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ जो फॉर्मूला दी गई है इससे करना, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 220.55 किलोमीटर, गिवन टाइम क्या है 5.5 आवर्स, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो 220.55 / 5.5, तो इसको डिवाइड देना है। अच्छा, तो डेसिमल पॉइंट एक डिजिट राइट साइड में लाना तो क्या होगा 55 होगा, और इसकी डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगी। अब डिवाइड देने से 40.1 आएगी, और किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या होते हैं किलोमीटर बाई आवर या फिर किलोमीटर पर आवर, पर आवर को ऐसे ही एक स्लैश दे के लिखते बाद में आवर। यहाँ कैसे देखिए, मैथमेटिकली देखिए, डिस्टेंस तो यहाँ किलोमीटर में आएगी ना, और टाइम तो यहाँ आवर में है, तो इसलिए ये जो वैल्यू आएगी ना, फिगर आएगी, ये किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर बाई आवर ऐसे करके आएगी, ठीक है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मिस्ट्रेस बनर्जी काट्स 781.28 मीटर ऑफ रिबन इक्वली इनटू 16 पीसेस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो भाई मिस्ट्रेस बनर्जी के पास 781.28 मीटर टोटल रिबन्स है, और इनमें से 16 पीसेस बनाना चाहती है, ठीक है। इक्वली 16 पीसेस इस इतनी लंबी रिबन से बनाना चाहती है, तो इन 16 पीसेस की हर एक पीस की लेंथ लंबाई कितनी होगी। तो टोटल रिबन इतनी है और पीस बनाना है 16, तो 16 से इसको डिवाइड देना, टोटल लेंथ ऑफ दी लेंथ ऑफ रिबन 781.28 मीटर, नंबर ऑफ पीसेस 16, देयरफॉर रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ईच पीस विल बी 781.28 / 16 मीटर इज इक्वल टू 48.83 मीटर। इसको 16 से डिवाइड देना तो 48.83 आएगी, ठीक है। इजी मैम, नेक्स्ट व्हाट्स की एक क्वेश्चन देखिए, मिक्स्ड फ्रूट जैम इज मेड आउट ऑफ 2.75 kg ऑफ ग्रेप्स, 1.45 kg ऑफ एप्पल्स एंड 3 kg ऑफ शुगर। इफ 0.6 kg ऑफ जैम इज पुट इन वन बोतल, देन हाउ मेनी बोतल्स आर नीडेड टू स्टोर द एंटायर क्वान्टिटी ऑफ जैम। तो भाई कुछ फ्रूट्स मिक्स्ड करके जैम बनाई जाती है, और ये जो मिक्सचर है जैम की, इसमें 2.75 किलोग्राम ग्रेप्स लगते हैं, ग्रेप्स। अच्छा, 1.45 किलोग्राम एप्पल्स लगते हैं, और 3 किलोग्राम शुगर लगती है, चीनी लगती है। अच्छा, अब देखिए छोटे छोटे बोतल्स में बनना, और हर एक बोतल की कैपेसिटी 0.6 किलोग्राम है, तो कितनी ऐसी बोतल्स चाहिए। तो ऐसे देखिए टोटल वेट ऑफ द मिक्सचर, तो इस मिक्सचर बनाने के लिए जितनी जितनी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इन सब इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटीज को ऐड करना, तो इस मिक्सचर की टोटल वेट आ जाएगी 2.75 kg प्लस 1.45 kg। ये तो ग्रेप्स है, और ये क्या है एप्पल्स है, और ये शुगर है, तो 7.2 किलोग्राम है सबको ऐड करने से। आप देखिए कैपेसिटी हो वन बोतल, एक बोतल की कैपेसिटी 0.6 किलोग्राम, मतलब और एक बोतल में 0.6 किलोग्राम बनना है। अब ऐसे कितने बोतल्स चाहिए, तो टोटल ये क्वांटिटी है, और हर एक बोतल की कैपेसिटी ये है, तो टोटल जो वेट है इसको एक बोतल की कैपेसिटी से डिवाइड देना, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बोतल्स इज 7.2/0.6। तो दोनों से डेसिमल पॉइंट रिमूव करिए, हटा लीजिए, तो क्योंकि दोनों में एक डेसिमल है, यानी कि डेसिमल वन के बाद एक एक डिजिट है, तो 72/6 है इज इक्वल टू 2 है, 6 × 12 = 72 ना। तो आप ऐसी 12 बोतल्स चाहिए। तो भाई एक्सरसाइज समाप्त हो गया वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करना, और आपके साथ दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, दिन में।